चैनल जिसका नाम है टेक ग्रिप। मैं हूं आपका दोस्त नवीन। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। क्या होता है दोस्तों, जब भी आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करने के लिए जाते हैं, अगर आपको यहां पर कुड नॉट रिफ्रेश फीड वाला ये एरर आता है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है, तो गाइज आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर गाइज मैं इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो गाइज आपको हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को, आपको बता देते हैं किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। यहां से दोस्तों आप बार बार रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइज आपके सामने बार बार यही एरर आ जाता है। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन उसके सॉल्यूशन पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने नोटिफिकेशन बार को ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। और यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका एरोप्लेन मोड है आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। और उसके कुछ सेकंड्स के बाद आपको इस पर अगेन टैप करना है, जिसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। और आपके इंटरनेट स्पीड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इशू होगा तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। और उसके बाद गाइज आपको चेक कर लेना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। बहुत से लोगों की तो प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएगी, फिर भी गाइज कुछ लोग बच जाते हैं जिनकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होती है। तो दोस्तों उन लोगों को क्या कर लेना है, यहाँ से बिल्कुल ही बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद जो आपके मोबाइल की सेटिंग होती है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी सिम आपने यहाँ पर डाल रखी है इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको तीन से चार ऑप्शन दिखेंगे, एक्सेस पॉइंट नेम, प्रीफेड मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क्स और यूज वोल्टी। आपको सबसे पहले APN पर क्लिक करना है, जिसको हम एक्सेस पॉइंट नेम बोल सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना, और नीचे से आपको रीसेट वाला बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से जो आपका APN है वो रीसेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से एक स्टेप बैक आना है और यहाँ पर आपको प्रीफेड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करना है। और यहाँ से गाइज आपको 4G या फिर 5G या फिर LTE सेलेक्ट करके रखना है। ये कर लेने के बाद दोस्तों आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों इसको एक बार डिसेबल करके इनेबल कर लेना है। यहाँ से जो आपका नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं तो गाइज आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ से इनेबल रखना है। ये कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बिल्कुल बैक आना होगा। बैक आ जाने के बाद अब आपको एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करके देख लेना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। जैसे ही आप रीस्टार्ट करके अपने इंस्टाग्राम पर आओगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो दोस्तों इस बार अगेन आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको ऐप्स वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का सर्च बार आएगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने नीचे तीन ऑप्शन आएंगे, फोरस्टॉप, अनइंस्टॉल, क्लियर डाटा। आपको यहाँ से सबसे पहले इसको फोरस्टॉप करना है, फिर क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, और यहाँ से क्लियर कैच कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से सिर्फ क्लियर कैच करना है और कुछ नहीं करना है। यह कर लेने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है, अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम। यहां पर आपको देखना है कि इंस्टाग्राम पर इस तरह की कोई अपडेट आई हुई है, तो आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। और उसके तुरंत बाद आपको बैक आना होगा, अपने मोबाइल को अगेन रीस्टार्ट करना है। आप जैसे अपने इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो वो स्मूथली चलने लगे, आपको कुड नॉट रिफ्रेश फीड वाली प्रॉब्लम दोबारा से फेस नहीं होगी। तो गाइज इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आसानी से हो जाता है। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।